सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं SY BCom का जो हमारा बिजनेस लॉ 1 जो है उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे अपना जो फर्स्ट मॉड्यूल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1, उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को चालू करेंगे जो कि है कंसीडरेशन। तो आज हम लोग कंसीडरेशन को समझेंगे एंड ये समझेंगे असेंशियल ऑफ कंसीडरेशन को, ठीक है। तो दो टॉपिक्स को आज हम लोग लेने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, देखो ये हम BCom का सेमेस्टर 3 पढ़ रहे हैं एंड अगर आप BAF या फिर BFM में हो तो आपको ये सेम 2 के अंदर है बिजनेस लॉ 1, तो आप भी इस लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना लेक्चर को। तो देखो सबसे पहले ये जो अपना चैप्टर नंबर 4 है कंसीडरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब कंसीडरेशन क्या होता है, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। मतलब कुछ हमें जब मिलता है रिटर्न में तो उसी को हम कंसीडरेशन बोलते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल लेकर अच्छे समझा देते हैं, क्योंकि देखो लॉ को पढ़ने के लिए हमें एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बिना एग्जांपल के अगर लॉ को पढ़ेंगे तो काफी मुश्किल हो जाता है चीजों को समझना, ठीक है, रिटेन रखना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मैं एग्जांपल आपको दूंगा ताकि अच्छी चीजें आपको समझ आ सके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको एग्जांपल लेते ताकि आपको अच्छे तरीके से कंसीडरेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर दो पार्टीज है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, ठीक है। दो पार्टीज है, सबसे पहली जो पार्टी है वो है ए, ठीक है। ए से अंकित, ठीक है, अंकित मेरा ही नाम है, ठीक है, माय नेम इज अंकित, अंकित सिंह, ओके। तो ये जो अंकित है, ओके, मतलब मैं जो हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ किसके साथ में, मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ राहुल के साथ में, ठीक है। ज़्यादा नाम ही याद नहीं आता है, एक दो नाम ही याद आते हैं, राहुल मोहन ऐसे कुछ नाम याद आते हैं, तो चलो राहुल, ठीक है। तो अब राहुल के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अंकित जो है यानी मैं जो हूँ, मैं राहुल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किस चीज़ का कर रहे हैं, तो देखो राहुल के पास जो है एक मस्त लाल कलर की गाड़ी है, ठीक है, मस्त एक अच्छी एक लाल कलर की गाड़ी है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो लाल कलर की गाड़ी पसंद आती है, मैं देखता हूँ उसके घर के बाहर एक लाल कलर की चमचकाती गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। मतलब पुरानी गाड़ी है लेकिन फिर भी उसने अच्छे तरीके से मेंटेन रखा है तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है। अब मैं राहुल को बोलता हूँ, एक काम कर राहुल, तू जो है मुझे मतलब अपनी गाड़ी बेच दे और उसके बदले में तुझे मैं अपना मतलब 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो मैं जो हूँ राहुल को बोलता हूँ कि तू मुझे अपनी गाड़ी दे दे लाल वाली, मैं तुझे 10,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, अगर मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, समथिंग इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा गाड़ी, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है, ठीक है, मतलब ये जो गाड़ी है ये ही मेरा मतलब कंसीडरेशन है, ठीक है। मतलब मेरे लिए कंसीडरेशन जो है वो ये गाड़ी ही है, ठीक है। अब राहुल अगर मुझे ये गाड़ी देगा तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, उसको समथिंग इन रिटर्न में क्या मिलेगा, ठीक है, कुछ तो मिलना चाहिए ना उसको भी। तो उसके लिए जो कंसीडरेशन है वो ये पैसा है, ठीक है। तो मतलब उसका जो कंसीडरेशन है वो ये पैसा है, 10,000 रुपये जो है उसके लिए कंसीडरेशन है, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कंसीडरेशन क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब क्या कि मेरे लिए गाड़ी कंसीडरेशन है, ठीक है, जब ये मुझे मिलेगी तो ये मेरे लिए कंसीडरेशन है, एंड ये जो 10,000 रुपये है ये राहुल के लिए कंसीडरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंसीडरेशन का मतलब सिंपल इतना ही होता है, समथिंग इन रिटर्न, कि हमें कुछ मिलना बदले में, ठीक है, तो उसी को कंसीडरेशन बोला जाता है, ठीक है। मे भी आपको कंसीडरेशन समझ आ गया होगा क्या है। नाउ अब देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखो क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। सबसे पहले देखो यहाँ पर बताया गया, देखो जब भी आप कंसीडरेशन का मीनिंग लिखो पेपर के अंदर तो देखो आप इस तरीके से लिखना, सबसे पहले लिखना सेक्शन 2 ब्रैकेट लिखकर डी लिखना, ठीक है, जैसे लिखा वैसे सेम टू सेम आपको लिखना होगा। अगर आप इस तरह से नहीं लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आप कंसीडरेशन की डेफिनेशन लिखोगे पेपर में तो आप इसी तरीके से लिखना, इसी पूरा यही वे होगा डॉट देने का, 2 लिखने का, ठीक है। तो सेक्शन 2D जो है हमारा कंसीडरेशन के बारे में बताता है, डिफाइन करता है कि कंसीडरेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टोटल अपना जो सेक्शन 2 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2 है वो टोटली बात डेफिनेशन की ही बात करता है, अलग अलग डेफिनेशन ही देता रहता है वो, ठीक है। तो सेक्शन 2D जो है वो बात करता है कंसीडरेशन की, ठीक है। तो देखो कंसीडरेशन के बारे में बताता है कि कंसीडरेशन आखिर हम किसे कहते हैं। तो देखो लिखा है सेक्शन 2D डिफाइन कंसीडरेशन एज फॉलो, लिखा क्या है कि देखो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग डूज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग प्रोमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और अब्सटेनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस, ठीक है। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखेगी। पहली बात तो यह देखो, सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा है कि वेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी क्या कि जो डिज़ायर मतलब जो भी पर्सन है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाते जाता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ठीक है, ये दूसरा पर्सन, ठीक है। अब दो पर्सन है, अब ये जो प्रोमिसर है, ठीक है, ये प्रोमिसर है जो कि ऑफर दे रहा है, ये प्रोमिस ही है, ठीक है, जो ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये जो प्रोमिसर है इसके डिज़ायर के ऊपर, ये जो भी चाहता है इसके डिज़ायर के ऊपर ये जो प्रोमिसी है वो कुछ इसके लिए करेगा या फिर उसके लिए कुछ नहीं करेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया पहले ही कि
प्रोमिसर उसको कुछ करने के लिए भी बोल सकता है या फिर कुछ नहीं करने के लिए भी बोल सकता है। टू डू समथिंग और नॉट टू डू भी समथिंग के लिए बोल सकता है। तो ऑब्स्टिनेंट का मतलब होता है कुछ ना करने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मतलब कुछ ना करने के लिए भी सामने वाला बोल सकता है आपको, ओके। कि सामने वाले के मान लो जैसे कि आपको आपके जो घर वाले मान लो आपको पैसे देते हैं कि तू जो है मतलब बेसिकली आपको पैसे दे देते हैं। जैसे आप मान लो आप बाहर मुंबई में रहने के लिए आए हो और आपके गाँव आपके घर वाले जो है वो गाँव में रहते हैं, ठीक है। तो आपके गाँव वाले आपके जो घर वाले आपको मान लो 10,000 रुपये हर महीने भेजते एंड बोलते आपको कि देख मैं तुझे ये पैसे दे रही हूँ लेकिन तू कभी भी बाहर का खाना मत खाना, ठीक है। मतलब कुछ ना करने के लिए आपको पैसे दिए जा रहे, कंसिडरेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ ना करने के लिए भी दिया जा सकता है, कुछ करने के लिए भी आपको बोला जा सकता है, ओके। तो जो अपना प्रॉमिस ही होता है वो कुछ उसे करने के लिए भी उसे बोला जा सकता है, कुछ ना करने के लिए भी बोला जा सकता है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, डूज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और, ठीक है। यहाँ पर देखो एक चीज़ समझो, इस डेफिनेशन के अंदर बात की गई है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे, तो देखो यहाँ पर देखो हैज़ डन और अब्सटेनेंट फ्रॉम डूइंग, मतलब क्या कि कुछ करने के लिए रोका था या फिर कुछ करने के लिए रोकू मतलब कुछ ना करने के लिए रोका था, इसको बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पर ये बोला गया है डूज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब क्या प्रेजेंट की बात कर रहा है कि हमने कुछ रोकने के कुछ करने के लिए आपको बोला है, कुछ नहीं करने के लिए बोला है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम सामने दुकान वाले को बोलते हैं कि आप मुझे सामान दे दो ये लो पैसे, ठीक है। तो हम सामने वाले को अभी करने के लिए बोल रहे हैं कि आप मुझे सामान दे दो, ठीक है। ये पास्ट प्रेजेंट में आपको अच्छे से अभी समझाऊंगा, इसके बारे में डिटेल में आगे टॉपिक्स दिए गए, ठीक है। ये मतलब इसी के अंदर बताया गया है, अच्छे से बताया गया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। यहां पर हो सकता है आपको ये ना समझ आए अच्छे से, बट इतना समझ लो इस डेफिनेशन के अंदर तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है कि हम सामने वाले को पहले पास्ट में कुछ ना करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में यानी अभी भी हम उसे कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर हम फ्यूचर में यानी क्या कि हम तुम्हें बोलेंगे कि आप ये काम मत करना या फिर ये काम कर देना, ठीक है। मतलब फ्यूचर में करने या फिर ना करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये डेफिनेशन बोल रहा है कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब जो प्रोमिसी है या फिर कोई भी दूसरा पर्सन हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी उसको वो उसने कुछ किया था या फिर कुछ करने कुछ नहीं किया था, ऐसा भी हो सकता है। डूज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग यानी क्या कि वो कुछ कर रहा है या फिर कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये मतलब प्रेजेंट की बात हो गई। एंड प्रोमिसेस टू डू मतलब क्या कि वो कुछ करेगा, मतलब फ्यूचर में की बात हो रही है कि आगे आने वाले समय में कुछ करेगा या फिर आने वाले समय में कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ सच एक्ट और अब्सटेनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस, ठीक है। तो ऐसा जो भी एक्ट है या फिर कुछ ऐसा जो अब्सटेनेंस है जो भी प्रोमिस ही करने वाला है प्रोमिस के हिसाब से उसी को हम कहेंगे कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसी को कंसिडरेशन बोला जाता है, यही डेफिनेशन है। थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल लगेगी आपको, बट जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वो आपको समझ आते जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आगे में टॉपिक्स दिए गए, दिखाता हूँ आपको किधर दिए गए। यहाँ पर देखो आपको समझ आएगा, ये देखो इधर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ, हाँ देखो यहाँ पर ये थर्ड अपना जो पॉइंट है इसी के बारे में बात करता है, पास्ट प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव कंसिडरेशन, कि मतलब पास्ट के बारे में बताता है, प्रेजेंट के बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में भी, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए तो इतना ही पढ़ के रह जाते हैं, ठीक है। तो आगे अभी आपके उसके बारे में ही हम समझेंगे, ठीक है। असेंशियल्स के अंदर आपको बताया गया उसके बारे में, ठीक है। नाउ अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, तो अब इसी को और ज़्यादा एलैबोरेट करके अच्छे से तरीके से समझाया गया है कि कंसिडरेशन मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के हिसाब से आप जो भी कंसिडरेशन दे रहे हो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो सामने वाले को कि सामने वाला अगर मेरे लिए कुछ करेगा तो उसके बदले मैं अपनी खुशी उसे दूंगा, ठीक है। मतलब बेसिकली इस तरीके की कोई भी चीज़ आप नहीं दे सकते, उसको आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो लॉ के नज़रिए से, ठीक है। मतलब लॉ माने कि हाँ भाई इसकी कुछ वैल्यू हो, ऐसा कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी कंसिडरेशन माना जाएगा। एंड अगर आपके के अंदर कंसिडरेशन नहीं रहता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहा जाता, ठीक है। देखो कंसिडरेशन काफी ज़रा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि एक एग्रीमेंट बनता कैसे, जब बहुत सारे जब दो प्रॉमिस जब प्रॉमिसेस के साथ में कंसिडरेशन मिल जाता है तभी जाकर एक एग्रीमेंट बनता है और तभी जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, ठीक है। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसलिए कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो यही लिखा गया है कि कोई भी कंसिडरेशन उसमें कुछ वैल्यू होनी चाहिए लॉ के द्वारा, ठीक है। लॉ को दिखाई देना चाहिए हाँ भाई इसमें कोई वैल्यू है, आप जो भी उसके बाद कुछ भी बदले में करने वाले हो उसके लिए, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ कंसिडरेशन इन इंग्लिश लॉ इज दैट इट इज सम डिटरमाइनेड टू द प्रोमिसी इन द इन दैट ही मे सफर टू सफर समथिंग और गिव समथिंग ऑफ वैल्यू और सम बेनिफिट टू द प्रोमिसर इन दैट ही रिसीव समथिंग ऑफ वैल्यू डिटरमिनेंट टू द सम डिटरमिनेंट ऑफ वन पर्सन एंड बेनिफिट टू द अदर आर द सेम थिंग
लुकेड अप फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स, मतलब क्या है यहाँ पर ये भी मतलब बोला गया, इंग्लिश लॉ में ये देखा जाता है, बोला जाता है कि जो प्रॉमिसी रहता है वो उसे कुछ कर सकता है, मतलब सामने वाले के लिए कुछ करेगा या फिर कुछ नहीं करेगा, जिसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। मतलब अगर वो कुछ कर रहा है तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, समथिंग वैल्यू होगी, कुछ नहीं करेगा तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, और जो भी प्रॉमिसर रहेगा जब वो रिसीव करेगा उस समथिंग को, जो भी वो दे रहा है उस वैल्यू को, वो जब उसे रिसीव करेगा तो उसकी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। मतलब बेसिकली जो बात है वही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जब एक पर्सन जो रहेगा डिटरमाइंड टू द वन पर्सन एंड बेनिफिट टू द अदर पर्सन, यानी क्या कि जब एक पर्सन जो है, यानी क्या यहाँ पर यही बोला गया, देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये जो एग्जांपल हमारा था इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक पर्सन जो है इसका कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा जो है 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, माइनस हो रहा है ना मेरे पास से, मेरे बैंक से 10,000 रुपये जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो इस पर्सन का यानी राहुल का जो है 10,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फ़ायदा, मेरा घाटा जो है इसका फ़ायदा है, तो इसका मेरा घाटा कह सकते हो, इसका कंसिडरेशन है, उसका बेनिफिट है, एंड उसका जो घाटा है यानी उसका जो गाड़ी जा रही है उसके पास से, वो मेरा फ़ायदा है, ठीक है, उसका जो घाटा है वो मेरा कंसिडरेशन है, मेरा बेनिफिट है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि देखो सीधी सीधी बात यही बोली गई, डिटरमिनेंट टू द वन पर्सन एंड द बेनिफिट टू द अदर आर द सेम थिंग लुकेड एट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, मतलब क्या कि एक पर्सन के लिए हो सकता है कि उसका कुछ जा रहा है, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वही चीज़ उसके लिए आ रही है, ठीक है, उसका बेनिफिट हो रहा है, तो बस हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से देखने की जरूरत है। तो यही बोला गया है, ठीक है। तो वेन अ पार्टी ऑफ एन एग्रीमेंट प्रोमिसेस टू डू समथिंग ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न, यानी क्या कि अगर कोई पार्टी है वो उस सामने वाले पर्सन के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है एग्रीमेंट के अंदर, प्रॉमिस कर देती है, तो ऐसे टाइम पर उसे कुछ मिलना भी चाहिए, ठीक है, तो उसे कंसिडरेशन मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए। दिस समथिंग इज डिफाइंड as consideration, और यही जो something in return जो है इसी को हम consideration बोलते हैं। तो in the word of Polo, consideration is the price for which the promise of the other is bought and the promise has thus given for the value is enforceable, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ है। तो यहाँ पर example दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि देखो ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी, मतलब वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया कि जो मैं हूँ, मैंने बी यानी बी कौन, वही अपना राहुल, कि मैंने राहुल को बोला कि देखो भाई मैं तुम्हारा गाड़ी खरीद लूँगा, क्या तुम मुझे अपना गाड़ी 10,000 रुपये में बेचोगे, तो राहुल बोल देता हाँ ठीक है मैं तुम्हें बेच दूँगा। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो क्या रहा है कि जो राहुल है उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, तो उसके लिए कंसिडरेशन 10,000 रुपये, और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, तो मेरे लिए कार है कंसिडरेशन, ठीक है। तो वही चीज़ें बोली गई है कि ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी 10,000 में बेचने के लिए तैयार है, इज द कंसिडरेशन फॉर द बी एंड प्राइस इज द कंसिडरेशन फॉर ए, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ है, ओके। अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यानी क्या कि हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीज़ें होती है, सबसे पहले एक प्रॉमिस होता है, उसके बाद उसके अंदर होता है कंसिडरेशन, तभी जाके एक एग्रीमेंट बनेगा, तभी जाकर आगे चल के वो कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी है, प्रॉमिस और कंसिडरेशन, ठीक है। तो यही लिखा है कि एवरी प्रॉमिस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज द असेंशियल कंडीशन फॉर द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द रूल इज एक्सप्रेसड बाय द लैटिन मैक्सिम, ठीक है। मतलब एक लैटिन वर्ड है जिसको जो कि बताता है कि अगर बिना विदाउट अगर आप कंसिडरेशन रखते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्शन नहीं लिया जाता, मतलब उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं रहेगी अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो, ठीक है। तो वही लिखा है एक्स नोडो पैक्टो नॉन अरिटोरू एक्शो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आउट ऑफ अ बेयर प्रॉमिस नो कॉज ऑफ एक्शन कैन अराइज, यानी क्या कि अगर कोई ऐसा प्रॉमिस है जिसके अंदर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है तो उससे फिर कोई एक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही बोला गया, मतलब वही इसमें कोई भी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगा, वो कल को जाकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। दस आउट ऑफ ग्रेटिट्यूस प्रॉमिस अ प्रॉमिस टू मेक गिफ्ट टू और चैरिटी विच इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी कंसिडरेशन नो लीगल एक्शन कैन अराइज, द रूल देयरफॉर इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी को आपने चैरिटी दे दी है या फिर किसी को गिफ्ट दे दिया, तो ऐसे टाइम पर आप कोई भी उसके अंदर लीगल, मतलब क्योंकि वहां पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे टाइम पर वहां पर कोई भी आप लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। कल को मान लो चाहो आप अपना गिफ्ट वापस लेना, तो आप नहीं ले सकते हो जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर एनफोर्स करवा कर, ठीक है, कि लाओ मेरा गिफ्ट वापस दो, तुमने मुझे कुछ भी वापस नहीं दिया, ठीक है। तो बेसिकली यही बोला गया है कि कोई भी अगर मान लो कंसिडरेशन नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यही बोला गया है।
द अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलोइंग आर द असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंसिडरेशन। यानी क्या, ये अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंसिडरेशन हो एक वैलिड कंसिडरेशन हो, क्योंकि देखो कंसिडरेशन भी एक अनवैलिड होते हैं। क्यों देखो, अगर जैसा मान लो आपका कंसिडरेशन है, आपने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि देखो भाई अगर तुम जो है सबके मर्डर कर करके मेरे को मतलब उनकी किडनी फेफड़े निकाल कर मेरे को दोगे तो मैं तुमको आधा परसेंट दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो कंसिडरेशन है ये अनलॉफुल है, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन को हम वैलिड नहीं मानेंगे। अगर इस बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंसिडरेशन की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तभी आपका कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर असेंशियल रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं तो उसको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा असेंशियल है कंसिडरेशन का वो ये है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। यहाँ पर जो केस लॉ बताया गया काफ़ी वाहियात से, मतलब बेसिकली यहाँ पर कुछ सूट ही नहीं बैठा है फिर भी पता नहीं क्यों दिया गया है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, हम लोग मैं आपको इसको समझा दूंगा। देखो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो अब होता क्या, देखो ये हूँ मैं, ठीक है। आपको पता है मैं हूँ ये ब्लू शर्ट वाला आदमी, ठीक है। अब मैं ये हूँ, ठीक है। वैसे तो दाढ़ी वाड़ी मेरी है फिर भी कोई बात नहीं, चलो। तो अब ये मैं हूँ, ठीक है। ये है अंकित, ओके, ये मैं हूँ। अब मैं जाता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो बहुत दिन हो गए कुछ खाया पिया जाए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पैसे थोड़े बहुत पैसे कमाए गए हैं तो एक काम करते कुछ पैसे जो लगा कर कुछ खा पी लिया जाता है, चलो डोमिनोज में जाते हैं और एक बर्गर खाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ डोमिनोज में, ठीक है, घूमते घूमते डोमिनोज में जाता हूँ एंड डोमिनोज में जाकर बोलता हूँ अंकल अंकल मतलब अंकल नहीं सुनो भैया थोड़ा मेरे को एक बर्गर दे दो, ठीक है, एक बर्गर दे दो, एक अच्छा सा बर्गर दे दो मेरे को खाना है, ठीक है। अब ये जो डोमिनोज वाले जो भैया रहते हैं वो बोलते हैं ठीक है 150 रुपया दो और मैं तुमको ये बर्गर दे दूंगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ ठीक है ये लो 150 रुपये, ठीक है। अब होता क्या है, देखो मैं इनसे बर्गर मांगता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ मेरे को यही वाले बर्गर चाहिए जो तुमने बाहर ऐसे पोस्टर में लगा के रखे, बहुत अच्छे दिख रहे, ठीक है, तो मुझे यही वाला बर्गर देना, ओके। अब होता क्या है, देखो इनके पास ये बर्गर खत्म हो जाता है, ठीक है, ये बर्गर खत्म हो गया रहता है, इनके पास अब इतने सामान नहीं रहते कि ये वाला बर्गर दे सके। तो ये मेरे को बोलते हैं एक काम करो भैया तुम जो है मतलब एक काम करो ये वाले तो बर्गर नहीं हमारे पास है, तुम एक काम करो पिज्ज़ा ले लो, ठीक है, हमसे पिज्ज़ा ले लो, मतलब पिज़्ज़ा भी हमारे काफ़ी अच्छे रहते हैं, हमारे पास बर्गर नहीं है, तुम पिज़्ज़ा ले लो, ठीक है, ये लो पिज़्ज़ा पकड़ो 150 रुपये दो जाओ घर पे, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर देखो क्योंकि मुझे बर्गर ही खाना था तो यहाँ पर मैंने क्योंकि देखो यहाँ पर प्रोमिसर कौन है, मैं हूँ, ठीक है, मैंने ऑफर दिया था, इन्होंने एक्सेप्ट किया था ठीक है 150 रुपये में मैं तुम्हें पिज़्ज़ा दे दूंगा, ठीक है, मतलब बर्गर दे दूंगा, ओके। तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या बना था, एक मैं जो प्रोमिसर हूँ मेरा डिज़ायर क्या था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था बर्गर, ठीक है, मुझे यही बर्गर चाहिए था डोमिनोज का, यही वाला बर्गर चाहिए था, लेकिन ये मुझे दे क्या रहे, ये मुझे दे रहे पिज़्ज़ा। तो ऐसे टाइम पर क्या मेरे पास ये हक बनता है कि मैं मना कर सकता हूँ कि नहीं मुझे ये पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, जाओ मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ घर पर, मेरे को दूसरी दुकान से खरीद लूँगा, ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि देखो मेरा जो ये बेसिकली कंसिडरेशन जो है ये मेरे डिज़ायर के हिसाब से ही चलना चाहिए। आप ये जो प्रॉमिस ही ये अपने हिसाब से कंसिडरेशन को चेंज नहीं कर सकता है। यानी क्या कि अब मैंने पिज़्ज़ा मांगा है तो पिज़्ज़ा ही मुझे मिलेगा, मैंने बर्गर मांगा है तो मुझे बर्गर ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही बात है, तो इसी को बोला जाता है कि बेसिकली कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। यानी क्या, ये जो भी प्रोमिसर है उसके डिज़ायर के हिसाब से ही कंसिडरेशन मूव करना चाहिए, उसी के हिसाब से कंसिडरेशन होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मेरा डिज़ायर है, मैंने किसी पर्सन को पैसे दिए कि मैंने बोला तुम मेरी पेंटिंग बनाना, ठीक है, स्केच बनाना बिना मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाली, ठीक है, एंड वो बोलते हैं नहीं भैया मेरे को कलर वाली बहुत अच्छे से आती है, मैं कलर वाली बना के दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो जो कंसिडरेशन है वो मेरे हिसाब से नहीं चली। तो अगर मान लो वो मेरे घर पर डिलीवर करता है कलर वाली तो हो सकता मैं चाहूँ तो मैं मना कर सकता हूँ, पैसे देने से मना कर सकता हूँ कि मैं जाओ तो मैं पैसे नहीं देता, क्योंकि मैंने जो बोला था वो तो तुमने दिया ही नहीं, मुझे स्केच चाहिए था, तुमने मुझे कलर वाली दे दी, ठीक है। तो कंसिडरेशन मेरे हिसाब से मतलब प्रोमिसर के हिसाब से ही चलनी चाहिए। तो यही चीज़ है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। अगर कंसिडरेशन थोड़ा भी आप चेंज करते हो तो वो बेसिकली कहा जाएगा कि प्रोमिसर के हिसाब से नहीं है, तो बेसिकली प्रोमिसर चाहे तो उसे कैंसिल आउट भी कर सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ अ थर्ड पार्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट प्रोमिसर डिजायर। यानी क्या कि प्रोमिसर जैसा चाहे वैसा ही आप बेसिकली कंसिडरेशन दोगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर केस एक बताया गया है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, इसके अंदर हुआ गया था। तो देखो ये काफ़ी मतलब छोटा मोटा केस है, इसके अंदर ये चीज़ हुई थी। देखो यहाँ पर देखते हैं मैंने बनाया कि नहीं बनाया, नहीं बनाया, चलो देखते
देखो नहीं बनाया, चलो कोई नहीं, आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो देखो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का ये केस था। इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पर एक मस्जिद बनाया जा रहा था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एक मस्जिद, ये जो केस लॉ है ये यहाँ पर केपेबल उतना नहीं बैठता, ये एक दूसरा सिचुएशन है, वहाँ पर दूसरा सेंचुरी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है। तो वहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ केस लॉ क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है तो बता ही देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें बोला क्या गया था, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद उसमें हुआ क्या था। देखो इसमें ये हुआ था कि एक मस्जिद था, ठीक है, एक मस्जिद जिसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, ठीक है, मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। तो मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ठीक है। अब क्योंकि एक टेम मतलब मुस्लिम लोग का बेसिकली कह सकते हो वर्शिप करने का जगह है, ठीक है, मतलब बेसिकली मस्जिद था, उसको बनाना था। तो हुआ क्या कि वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं ना, जो मस्जिद में काम कर रहे रहते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं आप हमें डोनेशन दीजिए, ठीक है। तो एक काम कीजिए रहता है ना, चंदा काटते जाते हैं, जैसे हमारे इधर होता है ना गणपति का रहता है कि आते पर्ची लेके आते हैं, बोलते हैं इधर नाम लिखवा कर आप पैसा लिख दीजिए कि आप इतना रुपये डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, चंदा दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसे इन लोगों ने भी ऐसे पर्ची बांट दी लोगों को, बोला कि आप हमें चंदा दीजिए, ठीक है। अब होता है ना नॉर्मली हम लोग भी क्या करते हैं कि हम लोग आज ही चंदा कटवा देते कि हम लोग तुमको 100 रुपया दे देंगे, 101 रुपया दे देंगे, और बोलते आज पैसा नहीं है कल दे देंगे, ठीक है, पर्ची काट दो आज ही कल पैसे दे देंगे। तो वैसे ही काफी सारे लोगों ने किया। हुआ क्या कि अब जब ये मस्जिद बनाना था, तो फिर मस्जिद के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे पर्चियां बांटना चालू कर दिया, मतलब सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, कि लोगों को बोला गया कि आप हमारे इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और एंड देन हमें डोनेशन दीजिए, ठीक है, मतलब वही चंदा दीजिए, ठीक है। तो काफी सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें डोनेशन के लिए मतलब पर्चियां अपने नाम से कटवा ली, ठीक है, कि भाई मैं भी सब्सक्रिप्शन दूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है। तो काफी सारे लोगों ने ले लिया कि भाई मैं 101 रुपया दूंगा, मैं 500 रुपया दूंगा, मैं 10 रुपया दूंगा, मतलब जिसका जितना था उतना दे दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब बहुत सारे लोगों ने दे दिया, अब उस हिसाब से फिर इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी चालू करवा दिया, ठीक है, मतलब बुला दिया लोगों को भी, बुला दिया कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, मतलब पर्सन लोगों को भी बुला दिया कि भाई तुम लोग काम चालू कर दो, ठीक है, हमको डोनेशन मिल जाएगा इतना, सब लोगों ने इतना सब्सक्रिप्शन कटवा लिया है, ठीक है। तो अब ऐसे टाइम पर हुआ गया, जब कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, सारा मस्जिद जो बचा खुचा था वो भी तोड़ ताड़ दिया गया एंड कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, उस टाइम पर अब पैसे लेने की बारी हुई। अब सबको बोला गया चलो अब पैसे दीजिए, कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। अब हुआ क्या, काफ़ी सारे लोग जो थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा पैसे, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों ने यह बोला कि भाई अगर मैं पैसे दे भी दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। क्योंकि देखो यहाँ पर आप कह सकते हो ये बेसिकली एक्सेप्शंस के अंदर आता है, कंसीडरेशन के एक्सेप्शंस के अंदर आता है, बट पता नहीं क्यों यहाँ पर दे दिया गया है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या था कि इस केस लॉ में ये हुआ था कि मतलब क्या कि देखो अब ये जो लोग थे इनका कहना क्या था कि देखो हमारे बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैंने तुम्हारा सब्सक्रिप्शन ले लिया एंड इसके बदले में मुझे क्या मिला, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, 101 रुपया दूंगा, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, हमारे बीच में तो कोई कंसीडरेशन ही नहीं है, इसके वजह से हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मेरे ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनती कि मैं तुम्हें पैसे दूँ, तो जाओ मैं नहीं देता, जाओ तू करना कर लो, ठीक है। तो यही लोगों का कहना था कि भाई कंसीडरेशन नहीं है तो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट, किस बात के पैसे, मैं दूंगा ही नहीं पैसे, ठीक है। तो यही बात थी। तो यहाँ पर फिर एक एक्सेप्शंस आ जाती है यहाँ पर, तो एक्सेप्शन में आगे आपको पढ़ाऊंगा, पता नहीं यहाँ पर क्यों ही दिया गया ये केस लॉ, ठीक है। तो एक एक्सेप्शंस वाले के अंदर आता है कि बिना कंसीडरेशन के भी कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, थीके? तो वो एक्सेप्शंस के अंदर है, तो वो एक्सेप्शन जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, मैं आपको वहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका एसेंशियल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको रफली हल्का समझाने के लिए मैं आपको बता दिया, नहीं तो आपको लगेगा कि ये छोड़ दिया मैंने, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ देखो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब क्या, यहाँ पर ये कहा गया है देखो कि कंसीडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी क्या कि आपका जो कंसीडरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कंसीडरेशन है वो प्रॉमिसी के द्वारा ही आपको मिले, यानी क्या कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड आपने उसको कंसीडरेशन दिया, लेकिन उसने आपको कंसीडरेशन नहीं दिया, एक थर्ड पार्टी ने आपको उसके बदले में कंसीडरेशन दिया, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आप जाते हो दुकान के अंदर, जैसे होता है ना हम लोग कि हम दुकान में जाते अंकल को बोलते अंकल एक चॉकलेट दे दो, अंकल चॉकलेट तो हमको दे देते बट उसको जो कंसीडरेशन वो देता कौन है, वो हमारे पेरेंट्स दे देते थे, ठीक है, तो वैसे थर्ड पार्टी। तो यही यहाँ पर बोला गया कि प्रॉमिसी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉमिसी ही कंसीडरेशन को दे, हो सकता है कि कोई एनी अदर पर्सन भी दे सकता है कंसीडरेशन को। इसका एक फेमस केस लॉ भी है इससे रिलेटेड जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो कि चन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है। इस केस लॉ में हुआ क्या था, तो देखो आपको बताता हूँ, देखो केस लॉ में क्या हुआ था। इसमें यह हुआ था कि देखो एक मदर थी, ठीक है, जो कि काफी ओल्ड हो चुकी थी, अब मतलब कह सकते हो मतलब अब स्वर्ग जाने का टाइम आ चुका था, तो काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी, ठीक है, ये जो मदर थी एंड इसकी एक डॉटर थी एंड इनका एक भाई था, ठीक है, कह सकते हो डॉटर का मामा था एंड मदर का भाई था, ठीक है, मदर्स ब्रदर, ठीक है, मतलब भाई ये मदर का भाई था, ठीक है। अब होता है क्या, देखो
ये जो मदर रहती है, अब इनको लगता है भाई मेरा तो टाइम आ चुका है, लगता है अब 2-3 दिन की मेहमान हूँ, अब मैं जल्दी ही कट लूँगी यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है कि ये जो मदर रहती है अपने डॉटर को बुलाती है और डॉटर को बोलती है देखो बेटा मैं तुम्हें क्या करती हूँ, मैं मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो ज़मीन है, मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वह मैं तुम्हें दे दूँगी, ठीक है। ठीक है, मतलब मैं अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम क्या करना कि हर साल, मतलब बेसिकली हर साल या फिर कोई भी पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, मतलब हर कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में तुम जो है तुम्हारे जो मामा है उनको जो है एन्यूटी पे करना, ठीक है, पर्टिकुलर कुछ सम ऑफ अमाउंट जो है वो पे करना, ठीक है, हर कुछ महीने में इतना इतना पैसा देते रहना, ठीक है। तो ये इनके बीच में हुआ, ठीक है। तो मदर जो थी उन्होंने क्या किया, डॉटर को बोला कि एक काम करो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे देती हूँ एंड तुम जो है अपने मामा को हर कुछ समय में कुछ एन्यूटी देते रहना। एन्यूटी का मतलब होता है फिक्स सम अमाउंट फॉर, मतलब हर कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स अमाउंट देते रहना, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब होता क्या, देखो डॉटर जो रहती है वो बोलती है ठीक है चलो मैं ऐसा करूँगी, ठीक है। तो डॉटर जो रहती है वो प्रॉपर्टी ले लेती है एंड कुछ समय बाद, मतलब कुछ दिन बाद जो रहती है मदर जो रहती है वो एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, मतलब हो जाती है ख़त्म, उनका टाइम आ जाता है, वो पहुँच जाती है जन्नत में, ठीक है। अब वो तो चली जाती है, मदर चली जाती है। अब होता क्या, देखो डॉटर, क्योंकि डॉटर को कहा गया था, उसकी मदर ने बोला था कि प्रॉपर्टी लेने के बाद तुम जो है अपने मामा को एन्यूटी पे करते रहना, ठीक है। तो ये जो डॉटर रहती है वो पहले महीने बेचती है, दूसरे महीने बेचती है, तीसरे महीने बेचती है, चौथे महीने बेचती है, मतलब कुछ महीने तक भेजती रहती है एन्यूटी। बट उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे अब ये देना बंद कर देती है, ठीक है, मतलब ये एन्यूटी देना छोड़ देती है, नहीं देती है एन्यूटी। अब उसके बाद अब इसके जो मामा श्री रहते हैं वो बोलते हैं कि बेटा तुम आखिर मुझे एन्यूटी क्यों नहीं दे रही हो, ठीक है, तुम्हारी मदर ने बोला था कि तुम प्रॉपर्टी के भी जो भी प्रॉपर्टी वो लेने के बाद मुझे कुछ अमाउंट हमेशा देते रहना, ठीक है, एन्यूटी पे करते रहना, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं पे करती हो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर डॉटर का कहना क्या है, देखो डॉटर कहती है कि देखो हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, मैं तो तुम्हें हमेशा देती रहती हूँ, मतलब मैं तो तुम्हें हमेशा एन्यूटी पे करती रहती हूँ, मैं तुम्हें कंसिडरेशन देती रहती हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या देते हो, ठीक है, मतलब मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, हमारे बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट है मैं तुम्हें हमेशा मतलब कंसिडरेशन दे रही हूँ, तो तुम तो मुझे कोई भी कंसिडरेशन दे ही नहीं रहे हो, मतलब मामा को भी कुछ देना चाहिए, ठीक है। अब बेटी का भी कहना सही है कि हाँ भाई मामा, मतलब सारी चीज़ें मामा को भी मिलते जा रही है एंड मामा कुछ तो दे ही नहीं रहा है डॉटर को, ठीक है, बेटी को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो बेटी का भी कहना सही है। अब ये जो मामा श्री रहते हैं ये बोलते हैं आखिर, मतलब मामा श्री हो जाते हैं गुस्सा, ठीक है, कि मतलब कैसे नहीं देती है, मैं भी देखता हूँ कि कैसे नहीं देगी तू मेरे को पैसे। तो अब मामा श्री जो रहते हैं, यानी ये जो मामा रहते हैं, ये चले जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, ये है मामा श्री एंड ये है डॉटर, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो मामा श्री जो है अपने चन्नैया और ये है रमैया, ठीक है, रमैया का नाम है डॉटर, मतलब डॉटर जो है वो है रमैया एंड अपने जो ये ब्रदर है मामा मदर के वो है चन्नैया, ठीक है। तो चन्नैया वर्सेस रमैया, यही केस लॉ बन जाता है। तो इसमें होता क्या है, देखो अब उधर डिसीजन क्या आता है, देखो अब यहाँ पर बोला ये जाता है कोर्ट में, ये बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ ये डिसीजन लेता है कि देखो क्योंकि यहाँ पर देखोगे मामा जो है वो वैसे तो कुछ भी नहीं दे रहे, बट मदर, अगर आप देखो मदर क्या कर रही थी, मदर जो है जब उन्होंने मदर के साथ डॉटर और मदर के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट बना, मदर ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वैसे दी, उसके बदले में उन्होंने क्या बोला कि तुमको जो है एन्यूटी पे करना होगा। तो यहाँ पर कह सकते हो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मदर और डॉटर का वो इसी से जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। एंड एक और चीज़ भी यहाँ पर बोली गई, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो डॉटर है, ठीक है, ये जो डॉटर है वो कंसीडरेशन दे रही है, बिल्कुल दे रही है, ठीक है। कंसीडरेशन किसको दे रही है, मामा श्री को दे रही है, क्या दे रही है, एन्यूटी दे रही है, ठीक है। अब इनको क्या कंसीडरेशन मिल रहा है, आप बोलोगे इनको तो कोई कंसीडरेशन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन इनको कंसीडरेशन मिल रहा है, जो मिल रहा है इनकी मदर के द्वारा, ठीक है। इनको कंसीडरेशन मिला इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी इनको मिला है ना, तो इनका कंसीडरेशन की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इनका कंसीडरेशन है। तो यहाँ पर यही बोला गया कि देखो आपका जो कंसीडरेशन है वो जरूरी नहीं है कि जो प्रॉमिसी है वही आपको कंसीडरेशन दे, जो थर्ड पर्सन है वो भी आपको कंसीडरेशन दे सकता है। तो यही यहाँ पर डिसीजन लिया गया। तो बेसिकली यही केस लॉ का डिसीजन है, यही बात है कि देखो आपका जो कंसीडरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रॉमिस ही आपको कंसीडरेशन दे, कोई अदर पर्सन भी आपको कंसीडरेशन दे सकता है। जैसे इस केस में देखो तो मदर कंसीडरेशन दे रही थी मामा के बदले में, ठीक है, तो यही बोला गया था। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर बोली गई है, इन इंग्लिश लोहावे पर्सन कैन नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट, कैन नॉट सू ऑन द एग्रीमेंट। यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि देखो अगर मान लो जैसे यहाँ पर बोला गया है, ये बोला देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर मान लो दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है, ये दो लोग हैं, दोनों लोग के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो ऐसे टाइम पर ये जो दो लोग हैं इनके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो ये जो थर्ड पार्टी है ये इनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई कभी भी मतलब सू नहीं कर सकते, सू का मतलब केस नहीं कर सकती कि भाई मान लो ये पर्सन जो है ये अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर सकता, तो ये थर्ड पर्सन जाकर कॉन्ट्रैक्ट के मतलब जाकर कोर्ट के ऊपर जो है मतलब कोर्ट में जाकर केस नहीं
ठोक सकता है इस पर्सन के ऊपर कि भाई ये जो है ये अपना जो है ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जो है वो इनके मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता इनके एग्रीमेंट के अंदर, इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर कोई एक पर्सन ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रहा है तब, ठीक है। तो एज सच नो स्ट्रेंजर नो कॉन्ट्रैक्ट इज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड टू क्लेम एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या कि कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट से जो है वो बेनिफिट्स नहीं ले सकता और किसी भी प्रकार से मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को सू भी नहीं कर सकता, जाकर कोर्ट में केस भी नहीं लड़ा सकता, ठीक है। तो कंसीडरेशन एज पर इंग्लिश लॉ मस्ट प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी हिमसेल्फ एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, यानी क्या कि इंग्लिश लॉ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो कंसीडरेशन है वो हमेशा प्रोमिसी से ही आना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। बट इंडियन बेसिकली इंडिया है अपना, इंडिया के अंदर इंडियन लॉ जो है वो थोड़ा सा इसको बदल देता है कि यहाँ पर ये बोला जाता है इंडिया के अंदर कि आपका जो कंसीडरेशन है वो जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी से ही आए, वो कंसीडरेशन अदर पर्सन से भी आ सकता है, ठीक है। तो यही यहां पर बोला गया है। देखो आगे क्या चीजें लिखी है, दिस रूलिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइवेसी होगी, कोई भी बाहर वाला पर्सन स्ट्रेंजर जो है, स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी भी आपके मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो बेनिफिट लेने के लिए हो, चाहे उसके ऊपर सू करने के लिए हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन टू पार्टीज एंड नो थर्ड पर्सन कैन सू अपॉन इट इवन इट इफ इट इज फॉर हिज बेनिफिट, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार से वो सू नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बट ये बात है इंग्लिश लॉ की, ठीक है। बट एज पर इंडियन अगर आप देखोगे, इंडियन लॉ के हिसाब से देखोगे, तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D के हिसाब से देखोगे तो जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसीडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी ओनली, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका जो कंसीडरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी से ही आए, हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन या फिर अदर पर्सन जो है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व भी नहीं है वो जो है वो पर्सन जो है आपको कंसीडरेशन दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अ स्ट्रेंजर टू एन एग्रीमेंट कैन स्यू ऑन द एग्रीमेंट इफ सच अ पर्सन इज बेनिफिशियरी, मतलब क्या कि एक पर्सन जो है बेसिकली जो एक पर्सन जो है अगर उसको मान लो मतलब जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, देखो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, मैं आपको इसी एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, मदर एंड डॉटर के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंजर कौन है, यहाँ पर स्ट्रेंजर जो है वो मामाश्री है, ठीक है। मामाश्री स्ट्रेंजर है, बट मामाश्री क्या के पास क्या पावर है कि वो जाकर केस लड़ सकते हैं, केस कर सकते हैं डॉटर के ऊपर, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखा आपने केस कर ही दिया था इन्होंने, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है और उसके अंदर आप अगर बेनिफिशियरी हो, ठीक है, एंड अगर आप स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हो, बट आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिशियरी हो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के, तो ऐसे टाइम पर आपको अगर वो बेनिफिट नहीं मिलते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको अराइव होती है, तो ऐसे टाइम पर आप चाहो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उनके ऊपर केस कर सकते हो कि देखो भाई ये डॉटर मेरे को नहीं देती है, ठीक है, मतलब नहीं दे रही है मेरे को जो भी मेरा है हिस्सा, ओके, तो एनिटी नहीं दे रही है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि अगर अ स्ट्रेंजर टू एन एग्रीमेंट कैन सू ऑन द एग्रीमेंट इफ सच अ पर्सन इज बेनिफिशियरी, अगर वो बेनिफिशियरी होता है तब, जैसे चनैया वैसे रमैया के केस में, ठीक है, कि ए गिफ्टेड यानी जो मदर है वो गिफ्ट करती है प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विद अ कंडीशन दैट द डॉटर शुड पे एन एन्यूटी टू एस ब्रदर, यानी मम्मी के जो ब्रदर है बी उनको पे करेगी। हाउएवर द डॉटर फेल टू कीप हर प्रॉमिस एंड ब्रदर शुड द डॉटर, मतलब जो ब्रदर रहता है वो केस कर देता है डॉटर के ऊपर क्लेम करने के लिए एन्यूटी को। इट वॉज हेल्ड दैट हर द वर्ड इन सेक्शन कि देखो जब प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन इंडिकेट दैट अ स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन मे मेंटेन अ सूट, ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो पर्सन जो है वो भी चाहे तो केस कर सकता है, एंड उस जो बेसिकली कंसीडरेशन जो है वो अदर पर्सन से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करो उसी से मिले, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। नाउ यहाँ पर दिखाई द फॉलोइंग आर द एग्जांपल वेयर बेनिफिशियरी कैन सू थ्रू द नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, मतलब क्या कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए जहाँ पर अगर आप मान लो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर हो यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट नहीं भी हो तब भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है पार्टिसिपेट करके सामने वाले पर्सन के ऊपर केस कर सकते हो, जैसे कि ट्रस्ट और चार्ज, ठीक है। मतलब ट्रस्ट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर बताता हूँ। ट्रस्ट और चार्ज मतलब क्या कि अगर मान लो बेसिकली ये ट्रस्ट भरोसा वाला ट्रस्ट नहीं है, इस ट्रस्ट का मतलब है जैसे रहता है ना अनाथ आश्रम हो गया, कोई ट्रस्ट चलाने वाले पर्सन हो गए, ठीक है। ट्रस्ट मतलब वही अनाथ आश्रम, कोई एनजीओ हो गया, ठीक है। तो ऐसे अ पर्सन इन हुज फेवर अ चार्ज और ट्रस्ट ओवर सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड में इन्फोर्स इट टू नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या अगर जैसे मान लो कि ये मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ
ठीक है, अब हो सकता है मान लो मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, मैंने 1 करोड़ रुपये कमा लिए, ठीक है, असली में नहीं है, फिर भी बोल देते क्या चाहता है, तो 1 करोड़ रुपये मैंने कमा लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या कि देखो, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि काफ़ी गरीब है, ठीक है, अनाथ आश्रम है, उनकी मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक ट्रस्ट होता है, एक NGO होता है जहाँ पर उन बच्चों की हेल्प की जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 करोड़ में से मैं सोचता हूँ चलो 50 लाख रुपये जो है डोनेट कर देता हूँ, डोनेशन दे देता हूँ ट्रस्ट में, ठीक है। तो मैं इनको डोनेशन दे देता हूँ। अब होता क्या है, ट्रस्ट का जो मालिक होता है, जो ट्रस्ट को चला रहता है, वो इस 50 लाख को ले लेता है और उससे मस्त एक मर्सिडीज़ खरीदता है, मस्त एक अच्छी सी गाड़ी खरीदता है और उसमें घूमने लगता है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में हुआ है, मेरे बीच में और इस ट्रस्ट के ओनर के बीच में, मतलब इस ट्रस्ट और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और किसी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बट यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन है, ये 50 लाख रुपये मैंने किसके लिए दिए थे, ये 50 लाख रुपये मैंने इन बच्चों के लिए दिए थे, ठीक है, मतलब इनके देखभाल के लिए मैंने पैसे दिए थे। तो ऐसे टाइम पर ये बच्चे जो है वो चाहे तो केस कर सकते हैं इस पर्सन के ऊपर कि देखो ये जो पर्सन है, मतलब ये जो महानात्मा है, इसने हमारे लिए 50 लाख रुपये डोनेट किए थे, बट ये जो ट्रस्ट का ओनर है, इसने क्या वो 50 लाख रुपये गाड़ी खरीद लिया, ठीक है, तो ये मतलब ऐसा ऐसा कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर जो ये जो थर्ड पर्सन है, ये मतलब कह सकते हो क्योंकि ये तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे ही आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी ये चाहे तो कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है, इस एग्रीमेंट के ऊपर कि देखो ये जो है मतलब बेसिकली ट्रस्ट का पैसा जो है वो खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि ट्रस्ट और चार्ज, मतलब वही चीज़, ठीक है। फिर मैरिज सेटलमेंट पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट, यानी क्या कि अगर मान लो यहाँ पर ये लिखा है कि वेयर एन एग्रीमेंट इज मेड रिगार्डिंग मैरिज पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट एंड अ प्रोविजन मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन ही मे टेक एडवांटेज ऑफ द एग्रीमेंट ऑल दो ही इज़ नॉट अ पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पर ये बोला गया है, सिंपल सी बात ये बोली गई है कि कोई भी मैरिज सेटलमेंट है या फिर जैसे रहता है ना, मतलब बंटवारा हो रहा रहता है, जैसे कि रहता है ना, जैसे मान लो बंटवारा, मतलब भाई भाई में बंटवारा नहीं, मैरिज जैसे डिवोर्स होना, ठीक है, रहता है ना जैसे झगड़े झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, कोई सेटलमेंट करना रहेगा, ठीक है, या फिर फैमिली एग्रीमेंट्स रहते हैं अलग अलग चीज़ें कि हम इतना लेंगे और तुम इतना लेना, ठीक है। जैसे केस, जैसे मान लेते कि ये पिताजी है, ठीक है, ये पिताजी है, ओके, इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, इनके 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चे होता क्या है कि देखो पिताजी जो है वो भी सोचते हैं भाई मेरा भी टाइम आ चुका है, मैं भी जल्दी जाने वाला हूँ, तो पिताजी बोलते हैं काम करता हूँ मैं जो है अपनी प्रॉपर्टी इन 3 बच्चों के बीच में बांट देता हूँ, ठीक है, तो तीनों को बच्चों को बराबर बराबर बांट देते हैं, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर होता क्या है कि अब ये जो इनका एक भाई जो रहता है, मान लो वो भी टपक जाता है, ठीक है, उसका भी टाइम आ जाता है, वो भी ऊपर चला जाता है, अब इसकी जो बीवी बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या, देखो क्योंकि ये जो इसके 2 भाई बचे हुए वो क्या कहते हैं, देखो ये जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है ये हम दोनों को मिलना चाहिए आधा आधा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पापा ने, मतलब हमारे जो पापा थे उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम तीनों में बराबर बराबर बांटेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 1% डेड हो चुका है तो ऐसे टाइम पर जो है हम दोनों जो है उन प्रॉपर्टीज़ को आधा आधा बांट लेंगे, क्योंकि अब हम ही दोनों बचे हैं तो हम ही दोनों लेंगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जो वाइफ और जो बच्चे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अब क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये फैमिली सेटलमेंट है, फैमिली एग्रीमेंट से रिलेटेड चीज़ें, तो यहाँ पर ये जो पत्नी और जो बच्चे हैं वो चाहे तो वो केस कर सकते हैं इस एग्रीमेंट के ऊपर कि देखो भैया ये क्या कर रहे हैं, लोग हमारी प्रॉपर्टी छीन रहे, हड़प रहे, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हो सकता है मैरिज सेटलमेंट या फिर फैमिली एग्रीमेंट से भी रिलेटेड भी चीजें ऊपर जो बेनिफिशियरी रहता है, जिसको कुछ बेनिफिट मिलने वाले रहते हैं, वो पर्सन जो रहता है वो चाहे तो एग्रीमेंट के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे होता है एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अ थर्ड पर्सन सर्टेन पेमेंट, द थर्ड पर्सन कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द प्रोमिसर, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर यह बोला गया है जैसे कि देखो एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर मान लो आप ये आप हो, ठीक है, एंड आप जो है आपको जैसे, ठीक है, ये आप हो एंड ये मैं हूँ, ठीक है, अब ये मैं हूँ ये आप हो, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, एंड आप क्या, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप बोलते हो एक काम करो इतना इसमें से कुछ 4-5 लाख ले लो, ठीक है, 4-5 लाख ले लो एंड ये जो है ये दिल्ली में एक पर्सन है मेरा, एक मतलब फ्रेंड है, उसको ये दे देना, ठीक है, मतलब दिल्ली में एक फ्रेंड है उसको जाकर दे देना, ठीक है, आपने मेरे को ये टास्क दिया कि जाकर दे देना, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन करके बोल देता हूँ इस पर्सन को, देखो भाई तुम्हारे जो 4 लाख रुपये है वो मेरे पास है, मैं ला कर दे दूंगा तुमको, तुम भी इस जगह पर आ जाना, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर देखोगे तो मैंने उसे एक्नॉलेज कर दिया, उसे बता दिया कि देखो भाई तुम्हारे जो पैसे हैं वो मेरे
मेरे पास है, ठीक है। अभी हो सकता है मतलब स्टोपल, देखो स्टोपल का मतलब आपको पता ही है, सामने वाले को बता देना या फिर जता देना, जो हो सकता है मैं नहीं भी हूँ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर मैंने सामने वाले को बोल दिया, ठीक है, कि हाँ भाई तुम्हारे पैसे मेरे पास ही है, ठीक है, एक्नॉलेज कर दिया मैंने। अब ऐसे टाइम पर होता क्या है, जब टाइम आता है पैसे देने की बारी आती है तो मैं भाग जाता हूँ पैसे लेकर, ठीक है, विदेश निकल जाता हूँ, चला जाता हूँ दुबई, ठीक है, मसाज करवाने के लिए, ठीक है। तो मैं निकल जाता हूँ दुबई। अब ऐसे टाइम पर मतलब दुबई में, सॉरी मसाज नहीं होता, वो तो कहीं और होता है, ठीक है, फिर भी दुबई निकलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ठीक है। तो दुबई हम लोग निकल जाते हैं, अब मैं तो दुबई निकल जाता हूँ, एंड अब होता क्या है, ये जो पर्सन रहता है जिसके पैसे मुझे देने थे 4 लाख रुपए, जिसको मैंने बोला था इधर आकर ले लेना पैसे, वो जो पर्सन रहता है वो टेंशन में आ जाता है, भाई पैसा किधर गया मेरा, तो पैसा ही नहीं है, अभी तक आया ही नहीं पैसा देने के लिए। तो ऐसे टाइम पर क्या बताओ, ये पर्सन मेरे पर केस कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर असली में देखो हमारे बीच में कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में बना होगा कि भाई ये जो पर्सन है इसने बोला होगा कि मैं तुम्हें 4 लाख भिजवा दूंगा, बट असली में तो हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, मेरे और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ठीक है, तो मुझे पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये चाहे तो मेरे पर केस कर सकता है कि देखो इसने मुझे एक्नॉलेज किया था, इसने मुझे बताया था कि मेरे जो पैसे वो इसी के पास है, एंड अब ये जो है मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तो ऐसे टाइम पर ये एनफोर्स करवा सकता है, मेरे से पैसे लेवा सकता है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट की वजह से भी वेर अ पर्सन प्रोमिसेस एक्सप्रेसली इंप्लाइड, मतलब जब कोई पर्सन सामने वाले को प्रॉमिस कर देता है, बता देता है कि मेरे पास ही मतलब तुम्हारा सामान है या फिर पेमेंट जो भी है मैं करूंगा तुम्हें, तो ऐसे टाइम पर वो जो थर्ड पर्सन रहेगा उससे रिकवरी हो सकती है, मतलब जो जिसको भी मैंने प्रॉमिस किया वो मेरे से रिकवरी करवा सकता है ज़बरदस्ती, ठीक है, केस कर मेरे ऊपर, ओके। उसके बाद होता है कोविनेंट रनिंग विथ लैंड, ठीक है। इसका मतलब देखो, कोविनेंट रनिंग विथ लैंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है पर्सन हु परचेसेज लैंड विथ नोटिस दैट द ओनर ऑफ लैंड इज बाउंडेड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग लैंड इज बाउंड बाय दोज ड्यूटी ऑल टुगेदर ऑल्दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर मान लो इसका सपोज करें, जैसे ये आपकी लैंड है, ठीक है, ये आपकी लैंड है, ये आपका घर है, ठीक है। अब यहाँ पर मस्त आपका ये घर है, ये लैंड है। अब होता क्या है, देखो कि अब देखो एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसका होता क्या है, अब देखो ये लैंड है, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा लैंड है, ये घर है। वैसे तो असली में इतना बड़ा घर नहीं रहेगा, इतना बड़ा लैंड भी नहीं मिलेगा बाजू में, बट कोई नहीं, हम लोग मान लेते हैं। तो ये अपना लैंड है, ठीक है। अब होता है क्या, देखो ये जो लैंड है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो रहती है वो सोचती है, देखो भाई लैंड बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी ज़मीन है, एंड यहाँ पर रोड अगर एक रेलवे ट्रैक बना देंगे तो मस्त रहेगा, ठीक है, मतलब एक रेलवे ट्रैक बना देंगे या फिर यहाँ पर एक एयरपोर्ट बना देंगे, ठीक है, यहाँ पर एक एयरपोर्ट बना देंगे, काफ़ी मस्त रहेगा, ठीक है, मतलब बेसिकली मेरा आधा घर उसमें चला जाएगा, ठीक है, आधा घर चला जाएगा अगर मैं यहाँ पर एक एयरपोर्ट बना दूँ, ओके, या फिर छोड़ो एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हम लोग रेलवे ट्रैक ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये अपना घर है एंड ये रेलवे ट्रैक इधर बनाने की गवर्नमेंट सोच रही है, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो मेरे से ज़बरदस्ती छीन सकती है, ठीक है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती छीन सकती है, उसके बदले में मुझे वो थोड़ा बहुत कंपनसेट कर देगी, जो भी लैंड की कीमत रहेगी मार्केट प्राइस के हिसाब से वो दे देगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट आती है मेरे पास में, बोलती है, देखो देखो मुझे तुम्हारी ज़मीन काफ़ी अच्छी लगी, एक काम करो मुझे दे दो ज़मीन, ठीक है। अब ऐसे टाइप पर गवर्नमेंट पूछ नहीं रही है कि दोगे कि नहीं, वो बता रही है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो बता रही है और मैं बोलता हूँ ठीक है, क्या कर सकता, कुछ कर तो सकते नहीं है, तो ज़बरदस्ती उन्होंने ले लेते मेरे से प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड इस जगह पर उन लोग बनाना चालू कर देते क्या, रेलवे ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाना चालू कर देते, बोलते काफ़ी मस्त ज़मीन है, मस्त रहेगा, ठीक है। अब होता क्या है, कल को एक आदमी रहता है, मतलब कल को क्या होता है कि मेरे को अब गांव जाना रहता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक काम करता हूँ, मैं गांव में चला जाऊँ, गांव में ही रहूँगा, तो इसलिए मैं सोचता हूँ, मतलब गांव बेसिकली कहीं पे भी, या फिर मान लो मैं विदेश जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सोचता हूँ चलो अब मैं अमेरिका में रहूँगा, वहाँ पर मस्त बिल्डिंग मस्त रहेगी, वहाँ पर अच्छा दिखेगा, व्यू अच्छा रहेगा, वहीं पर जाकर सेटल हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ अपना घर बेच देता हूँ, ठीक है, सेल कर देता हूँ अपना घर। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक पर्सन को बोलता हूँ क्या तुम मेरा घर कर दोगे, वो पर्सन बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा घर खरीद लूँगा, ओके। अब ऐसे टाइम पर जब वो मेरा घर खरीद लेता है, मेरी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, मेरी लैंड को खरीद लेता है, अब ऐसे टाइम पर वो सोचता ही है कि देखो गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया था वो तो इसके साथ किया था, जो प्रीवियस ओनर था, मेरे साथ थोड़ी एग्रीमेंट किया था, उसने प्रीवियस ओनर के साथ एग्रीमेंट किया था, ये जो लैंड है इसने गवर्नमेंट ने मतलब प्रीवियस ओनर के साथ एग्रीमेंट किया था, मेरे साथ एग्रीमेंट नहीं किया है। तो ऐसे टाइम पर ये जो ओनर रहता है वो क्या करता है कि ट्रैक की जो लोहे रहता है वो निकाल निकाल कर भंगार वाले को बेच देता है, ठीक है, निकाल निकाल कर बेच देता है और वापस यहाँ पर अपना गार्डन उगा देता है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट आती है, बोलती है ये क्या ट्रैफिक, मतलब जब यहाँ पर ट्रेन आ रही थी आधे रास्ते पर रुक जाती है, तो फिर गवर्नमेंट आती है, बोलती है ये क्या हुआ, यहाँ का ट्रैक किधर गया, ठीक है। तो ये बोलता है, मतलब ये जो पर्सन होता है जिसने नया प्रॉपर्टी खरीदी है, ये बोलता है भाई मेरी लैंड है, मेरे से तुमने परमिशन नहीं ली, तुमने प्रीवियस ओनर से ली थी, मेरे साथ तुमने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया, तो इसलिए मैं तुम्हारे नहीं दूंगा ये लैंड इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, तो मेरे से एग्रीमेंट करना बाद में, तब मैं तुम्हें दूंगा इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट बोलेगी कि देखो
इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, चाहे कोई भी ओनर बदलते जाए, लैंड के अंदर अगर कोई नोटिस आ जाता है या फिर लैंड जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से बाउंड हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर वो लैंड हमेशा उसी चीज़ से कन्वीनेंट रहेगी। तो वही इसी का मतलब यही होता है, कन्वीनेंट रनिंग विद द लैंड, यानी लैंड के अगर ऊपर अगर मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर बाउंडिंग आ जाती है कोई चीज़ की, तो ऐसे टाइम पर वो लैंड जब तक रहेगी तब तक वो बाउंडिंग इसके साथ में रहेगी, ओनर चाहे बदलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी का मतलब यह होता है। ठीक है, तो पर्सन हु परचेसेस लैंड विद नोटिस दैट द ओनर ऑफ लैंड इज बाउंडेड बाय सर्टेन ड्यूटी, कुछ ड्यूटी से रिलेटेड वो बाउंडेड है, तो ऐसे टाइम पर वो लैंड को भी अफेक्ट करेगा और उसको भी उस बाउंड उसमें बाउंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो इज बाउंड बाय दोज ड्यूटी ऑल्दोग ही वॉज नॉट पार्टी टू एन एग्रीमेंट, चाहे वो पार्टी हो ना हो उस एग्रीमेंट का, फिर भी उसे बाउंड होना पड़ेगा क्योंकि लैंड के साथ वो जुड़ा हुआ बाउंडिंग है। ठीक है, तो उसी को बोला गया है। तो ऐसे टाइम पर भी ये जो पर्सन है वो चाहे तो सूट कर सकता है, जो कि असली में देखोगे तो ये पार्टी है ही नहीं एग्रीमेंट का, फिर भी ये चाहे तो केस कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम लगती है तो। ठीक है, उसके बाद देखो आखिरी यहाँ पर जो है वो है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन का मतलब होता है, काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऐसी ड्यूटीज असाइन करती है, जैसे रहता है ना कि अब जैसे कि बेसिकली यहाँ पर जैसे मान लो अब कहीं पर रोड बनाना है। ठीक है, अब कहीं पर रोड बनाना है, अब उस रोड से जिसको भी बेनिफिट होने वाले थर्ड पार्टी, अब ये मान लो इस पर्सन को भी बेनिफिट होने वाले इस रोड से, तो ये चाहे तो उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट उन दो पार्टीज़ के, मतलब जैसे गवर्नमेंट है, मान लो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी पर्सन को बोला कि जाओ तुम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करो। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर ये जो थर्ड पार्टी है जिसको बेनिफिट होने वाला है इस काम से, वो चाहे तो इसके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनके बीच के एग्रीमेंट के ऊपर भी केस कर सकता है कि देखो भाई ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो काम करने वाला पर्सन है, ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, रोड ख़राब बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर वो भी कर सकता है केस। तो वही स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, तो वही चीज़ है। ओके, मतलब कहीं पर भी अगर आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट मिल रहा है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिशियरी हो, तो ऐसे टाइम पर आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस कर सकते हो, एग्रीमेंट के ऊपर केस कर सकते हो, जो भी उसमें पर्सन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप चाहो तो केस कर सकते हो अगर आप बेनिफिशियरी होते हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह आपको यही दिखेगा, इफ यू आर बेनिफिशियरी इन द कॉन्ट्रैक्ट देन यू कैन, मतलब बेसिकली कर सकते हो आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस। ठीक है, नाउ यहाँ पर आज का लेक्चर यही भी फिनिश करते हैं, क्योंकि पहले ही काफ़ी, मतलब आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे से ऊपर ही हो चुका है। देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बचे हुए हमारे असेंशियल्स है, यानी ये प्रेजेंट पास्ट और प्रोस्पेक्टिव कंसिडरेशन वाला है, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बस यही तक सारी चीज़ें देखने वाले थे, मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे।